वेलकम बैक। तो ये सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें मैकेनिकल का मैथ्स सॉरी फिजिक्स के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है थोड़ा सा मैकेनिकल वालों के लिए, क्योंकि एक तो कि टॉपिक आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, सर्च कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि ये मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया है। अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सुविधा नहीं है वैसा कुछ, ठीक है, तो नहीं पढ़ा पाता हूँ मैं। अगर आप कहोगे तो व्हाइट पेज पर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स आप लोगों के लिए भी, और इलेक्ट्रिकल वाले भाई लोग आप लोगों के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कल तक आपका दो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए दो वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा कल, आज केवल मैकेनिकल और सिविल के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग टाइम, लेकिन टाइम ले रहा हूँ तो आपके लिए बेस्ट दूंगा। अगर उतना पढ़ लोगे तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना होगा आपको, थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड है कि हाँ यहाँ यहाँ से आएंगे, लेकिन बात वही है कि इसमें होता ना बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस है। फिर भी मैं इसको एक जगह पर करने का कोशिश किया हूँ ताकि आपको दिखने में भी छोटा लगे और समझने में भी छोटा लगे, और मतलब होता है ना मतलब माइंड सेट कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन बड़ा को छोटा बना के पढ़ सकते हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये किसका है देख लो, सॉरी इसको पहले हटाओ यहाँ से, और ये यहाँ पर लिखने में दिक्कत होता है। तो ये रहा, तो सबसे पहले फिजिक्स मैकेनिकल के लिए है, तो आ गया सबसे। इसमें भी मैं देखो कितना मॉड्यूल में डिवाइड किया हूँ, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, ठीक है। तो बताऊंगा, और ये सबसे कंजर्वेटिव वे में है, अगर इसको अगर पढ़ लोगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल 1 में देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो मॉड्यूल 1 में इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे जाके कहीं भी सर्च करना यूट्यूब पे डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल ऑपरेटर तुमको पढ़ाएगा, डेल ऑपरेटर में ही जानते हो कौन कौन से आएगा, कर्ल आ जाएगा, दूसरा डाइवर्जेंस आ गया, तीसरा ग्रेडियंट आ जाएगा, और ये तीनों आपस में मतलब इंटरलिंक्ड है। अगर समझ में आ जाए केवल डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है, जिसमें डॉट होगा उसमें कर्ल होगा या फिर डाइवर्जेंस होगा, या फिर जिसमें क्रॉस है उसमें ग्रेडियंट होगा या फिर डाइवर्जेंस होगा, यही सब है ये डेल ऑपरेटर के साथ, इससे ज़्यादा कुछ खेल नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो आराम से, अगर ये तीनों अगर तुमको सॉरी यहाँ पर देख लो, अगर ये तीनों अगर तुमको समझ में आ गया, देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, अगर डेल ऑपरेटर समझ में आ गया तो तुमको ऊपर में ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तुमको तीनों को समझ में आ गया तो इसके बाद तुमको लैपलेस इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन धर से बना दोगे, साला एक मिनट भी टाइम नहीं लगा तुमको, एकदम मतलब होता है ना तुरंत। ये सबसे मेरा फेवरेट में से एक था, क्योंकि ये इतना जल्दी मेरा कंप्लीट हुआ था ना, मतलब होता है ना कि मतलब सबसे बड़ा टॉपिक में से एक है, लेकिन ये सबसे जल्दी बन सकता है, ये मेरा सबसे फेवरेट में से एक था, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा ये हो जाता है कॉफी रिंग इफेक्ट, इसी के साथ साथ होता है एक स्किन इफेक्ट, ये सब नॉर्मल डिफिनेशन है, अगर पढ़ लोगे तो सही रहेगा, वरना कोई दिक्कत। हाँ एक चीज़ याद रखना कि बाउंड्री इक्वेशन जो है ना पढ़ना है हर एक मॉड्यूल में, अगर आप मॉड्यूल खोलते होंगे अपना फिजिक्स का तो उसमें पढ़ना पढ़ते होंगे बाउंड्री इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड, बाउंड्री इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब होता है ना सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा चीज़ के लिए पढ़ना है। तो बाउंड्री इक्वेशन कहीं भी हो धर के लपेट लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और बाउंड्री इक्वेशन तीन क्वेश्चन पिछले बार आया था, नहीं विश्वास आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, टेंशन नहीं लो। बाउंड्री इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आ गया, मॉड्यूल 2 देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, देखो पहले ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा सॉरी पहला स्फेरिकल दूसरा कैविटी। अब स्फेरिकल और कैविटी में क्या होता है, एक होता है स्फेरिकल और दूसरा होता है हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर के बीच का जो पार्ट होता है वो निकाला हुआ रहता है, उसी को हम लोग कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ स्फेरिकल का एग्जांपल दिया हूँ, ये किसी में हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो ये दोनों जनरली यहाँ पे जानते हो स्फेरिकल के लिए पूछा जाता है, अगर कैविटी के लिए उतना नहीं पूछता है, क्योंकि उतना हायर लेवल में ये लोग नहीं घुसते हैं। तो स्फेरिकल अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए सही होगा। अब आ गया बाउंड चार्ज, पढ़ लो, इससे पिछले बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो छोड़ नहीं सकते हैं इसको। पोलराइजेशन, इससे डिफिनीशन रख लो या फिर क्वेश्चन रख लो, पूछता ही पूछा सॉरी, थोड़ा अच्छा से सर्कल बनाऊंगा ताकि आपको दिखे भी, देखो दिखा पोलराइजेशन, ये पढ़ लोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा। पोलराइजेशन से पूछता है, हाँ देखो मैं यही बोल रहा था, बाउंड्री इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहीं भी पढ़ लो भाई, और ये भी स्फेरिकल और प्लेन के लिए, दोनों के लिए पढ़ लेना, अगर समझ में आ जाएगा तो काफ़ी बेस्ट है। स्फेरिकल इक्वेशन कहीं सॉरी बाउंड्री इक्वेशन कहीं भी मिले रट जाना, ठीक है, जो मिले रट जाना, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। बाउंड्री इक्वेशन जो है ना वो हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, तो पढ़ लोगे तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। बाउंड्री इक्वेशन बहुत जगह मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब पर ही सर्च करना बाउंड्री इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन या फिर बाउंड्री इक्वेशन पर सर्च करोगे आराम से आपको मिलेगा,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये भी मॉड्यूल टू भी कंप्लीट। मॉड्यूल थ्री में बहुत छोटा सा चीज़ है, बायो स्टॉबेट लॉ, सॉरी इसको बोलते हैं, इसको सबरेट लॉ बोलते हैं, स्टॉबेट लॉ बोलते हैं, आई डोंट नो, मेरा क्या बोलते हैं, प्रोनंसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये बात आपको ही पता होगा, और शायद आपके साथ साथ मेरा थोड़ा इंक्रीज भी हुआ, ये भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन हाँ, फिर भी ऑप्टिमम अमाउंट में कर लेता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसमें देखो, बायो सेपरेट लॉ है जो, इसमें आपको डाइवर्जेंस और कर्ल वाला पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका प्रूफ देख लेना और इस पर थोड़े दो तीन न्यूमेरिकल बना देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टॉक्स थ्योरम पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। करेंट डेंसिटी दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है, एक ही आगे अगल बगल में मिल जाएंगे, पड़ोसी भाई बहन है, भाई बहन है तो कोई दिक्कत है नहीं, एक एक बहन को ले लेना, एक भाई को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से ये दोनों कवर हो जाएगा। ये तीनों आसान से, मतलब होता है ना, आधा घंटा एक घंटा बैठोगे कंप्लीट हो जाएगा आराम से। मॉड्यूल फोर में आ जाओ, बाउंड चार्ट, जिसे क्वेश्चन पूछता है, ये न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव वाले में पूछ लेता है, तो आपके लिए सही है। और इसी में देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप ऑफ मैग्नेट मटेरियल, ठीक है ना, ये आप ब्रह्मा से पढ़ते आ रहे हो, डिफिनेशन वगैरह, फेरो पारा डाई मैग्नेट ये सब, या इसी में ससेप्टिबिलिटी भी आता है, सुपर ससेप्टिबिलिटी भी आता है, और फिर इसी में मतलब बहुत सारा होगा कि गामा का वैल्यू किसका बड़ा होगा, किसका कम होगा, ये सारा चीज़ हमसे याद तो होता नहीं है, ये मेरा सबसे वीक चैप्टर में से एक था, लेकिन क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं रट के गया था और अभी तक मैं भुला चुका हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि इससे क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, इसका पढ़ लेना, ठीक है ना, फेरो पारा डायमैग्नेट, इन तीनों का डिफरेंस पढ़ लेना, इन तीनों का एग्जाम्पल पढ़ लेना, क्योंकि आप कहीं भी पलट के देख लेना, अभी पूछ लो, पलट लो या फिर 2 साल पहले का पलट लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे स्टार मार्क मार सकते हो, क्योंकि इससे ये ऐसा है जो हमेशा पूछता है, ठीक है ना। और बाउंड चार्ज भी है, वो भी आएगा। फ्राडेलो पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन बना लेना, थोड़ा सा दो तीन न्यूमेरिकल बना लेना, लेकिन जो पूछता है वो क्या है 12 नंबर में, प्रॉपर्टीज, लेकिन वो भी प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं पूछता, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस में पूछता है। और क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रो होता है ना, जैसे 10th 11th में मॉनिटर हुआ करता था, तो यहाँ पे आके आपका CR होगा, चीफ रिप्रेजेंटेटिव, वैसे ही यहाँ पे भी अब 11th 12th में हम लोग स्लो प्रोसेस पढ़ते थे, और यहाँ पे थोड़ा आ गया, तो अपग्रेडेड वर्ड क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना, मतलब ये भी एक तरह का स्लो प्रोसेस है, ठीक है। आपको वर्ड से भी पता चल रहा होगा, स्टेटिक्स मतलब खड़ा हुआ, ठीक है ना, तो एक जगह जो खड़ा होगा वो स्टेबल होगा ना, जो स्टेबल होगा वो काहे मूव करेगा, तो इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है। अब आ जाओ मॉड्यूल सिक्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक बोलूंगा, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछ देता है भाई, सिंपल सी बात है, मेरे से मेरे टाइम बहुत क्वेश्चन पूछा था इसमें, सॉरी, यहाँ से थोड़ा देख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट से पूछ देगा आपको, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेट भी पूछ देगा आराम से, ये सब 2-2 मिनट का टॉपिक है, गूगल पर सर्च करो और पढ़ लो। मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये भी डेल ऑपरेटर से रिलेटेड है, डेल ऑपरेटर अगर पढ़ लोगे, डेल ऑपरेटर, अच्छा डेल ऑपरेटर का साइन जो है वो कैसा होता है देखे हो कभी, ये उल्टा भी देखे हो, यही डेल ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन भी पढ़ लेना, ये भी आपस में इक्वेशन है। हाँ, जो मेरे टाइम जो पूछा था वो 14 नंबर का ये था, ठीक है, ये दोनों पूछ दिया था, देखो डेंसिटी इक्वेशन जिसको कंटिन्यूटी करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछ दिया था, और पॉइंटिंग वेक्टर, ये दोनों 7-7 नंबर का पूछ दिया था, ये दोनों अलग अलग है, सॉरी ये दोनों अलग अलग, पॉइंटिंग वेक्टर अलग है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अलग है, ये दोनों हमसे पूछ दिया था भाई 7-7 14 नंबर का, हम बोले कि गजब ऐसा कौन पूछता है भाई, लेकिन पूछ दिया था, क्या कर सकते हो, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मतलब इसमें एक मेरे से नहीं बना था, पॉइंटिंग वेक्टर मेरे को नहीं पता था तो मेरे से नहीं बना, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन पता था तो उससे मैंने बना दिया था। फिर मोमेंटम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ लेना, पूछ देता है बेचारा एन एन से कभी कभार, और पिछले बार भी पूछा था। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसमें कभी कभार बहुत ज़्यादा थ्योरी देता है, और थ्योरी मेरे से याद होता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कहीं भी अगर कोई सीनियर होंगे उनसे नोट्स जुगाड़ कर लेना, क्योंकि इसके बारे में मेरे को नो आइडिया, हम नहीं पढ़े थे इसमें, ठीक है, तो इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी पता है कि इसमें पढ़ लोगे तो 7-8 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बस यही है। और इतना ज़्यादा कंप्लीट कर लिए तो फिर तो तुम बादशाह भाई, फिजिक्स का टॉपर रहो, टेंशन ले लो अपने ब्रांच में, क्योंकि इतना भी लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, इसका 10% भी कंप्लीट कर ले तो बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को तो सीधे ये चीज़ मिल जा रहा है, आप कंप्लीट कर लो, बेस्ट रहेगा। यस हाँ जी, चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है, तो देख लो आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। हाँ एक और चीज़ बोलूँगा, जो आपका सिलेबस है ना वो आपके 17 और 18 बैच के जो भी भैया होंगे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, तो कभी भी ये मत समझना कि हाँ उन लोग से हेल्प लेंगे, वो लोग हेल्प करेंगे अपने टाइम वाला, वो कभी आपका हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नया सिलेबस है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सीनियर जैसे कि हम हैं तो हम ही हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मेरे से जो भी छोटे होंगे मतलब बड़े होंगे उनको ये पढ़ना ही नहीं था, ठीक
ठीक है, जो हेल्प कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, इसके अलावा या फिर आपका जो भी सेकंड ईयर हो सीनियर होंगे वही हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि सारा का सिलेबस डिफरेंस था तो आपको, डिफरेंट था तो आपको कैसे बता सकता है वो। तो आइए देखते हैं, तो देख लो सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जा भाई, देखो देख लो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फेरिकल सेल। देखे पहला ही क्वेश्चन आपको स्फेरिकल सेल और मिल गया आपको, राइट द पॉइजन इक्वेशन, मैंने बोला था पॉइजन इक्वेशन पढ़ लोगे तो सही रहेगा, आगे बढ़ते जाओ। डिस्प्लेसमेंट करंट याद आया कुछ, सबसे लास्ट में मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट, आगे देखते जाओ क्या होगा अभी। ये भी अगर मैग्नेटिक पढ़ लोगे थोड़ा सा क्वेश्चन बना लोगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब आगे देखते जाओ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है ना, बायो सेवर्ट लॉ, ये दोनों आराम से क्वेश्चन बनेगा, आप देखते जाओ कितना क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये सब भी क्वेश्चन अगर ना बने तो फिर तो भाई अजीब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते जाओ, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना और कुछ नहीं, अगर मान लिया सरफेस पे मतलब चार्ज डेंसिटी अगर फैला हुआ है तो कैसे उसका निकालना है वो आपके काम है, ठीक है ना। तो ये तो अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, सही बता रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं सेम तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब आगे देखते जाओ, फाइंड द पोटेंशियल इन साइड द स्पेयर, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है तो आपको मतलब पोटेंशियल भी पता चल ही जाएगा, आपको पता है ना मतलब पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना। आ गया डी डॉस एस ई, तो आइए देखते हैं फ्राडे केज, फ्राडे लो पढ़ोगे तो फ्राडे केज भी तुमको समझ में आ जाएगा, पढ़ लेना सही रहेगा। अब आगे आते जाओ, देखो देखो मोमेंटम कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, याद है हम मोमेंटम के लिए बोलते हैं मोमेंटम इन मैग्नेटो स्टैटिक, ठीक है ना, तो ये भी उसी तरह का काम करता है, अगर आपको समझ में आया होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते जाओ, सॉरी यहाँ पे है और है, सॉरी नहीं अब इधर आना होगा, सॉरी माई मिस्टेक। देखो बाउंड चार्ज, सीधे क्वेश्चन उठाएगा भाई, आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हार्ड है, वैसा कुछ नहीं, अगर इतना टॉपिक कंप्लीट किया हो तो देख लो। बाउंड चार्ज देखो, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये सब का एग्जांपल दो, और क्या चाहिए आपको भाई। ये देखो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये सब छोड़ो, अब ये तुम नहीं बना सकते हो तो क्या होगा, कि बड़ा का दिया हुआ छोटा का निकाल, मतलब एक क्वाड्रेंट का निकाल सकते हो उसका निकाल दो और छोटा वाला का एक क्वाड्रेंट का निकाल दो और दोनों का माइनस कर दो, अब इससे सस्ता क्या होगा आपके लिए। जो भी पैरेलल में आता है उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो इसका मैग्नेटिक देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बस केवल इसका और इसका माइनस कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको सर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो आगे आ जाओ देखते जाओ, देखो व्हाट इज द इंक्लूड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखते हो ये क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगा पूरा, लेकिन अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, अब किसका फाइंड करना है, ये देखो कैविटी वाले का, याद है हम अभी कुछ बोल रहे थे कैविटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वही है। अब क्या बोलूँ मैं, बड़ा वाला कर लो छोटा वाला कर लो और आराम से छोटा को घटा दो, अब क्या चाहिए आपको भाई, इतना आसान आसान क्वेश्चन। ये देखो स्पेयर, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, जब सारा का सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है और उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्पेयर का, तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ये आपको लगेगा कि अरे भैया ये तो बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, नहीं ये कर्ल और डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। मैंने याद है मैं जब कर्ल और डाइवर्जेंस का बात कर रहा था तो मैं बोला था कि यहाँ पे सिर्फ डॉट और प्रोडक्ट का, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है, देखो यहाँ पे डॉट है यहाँ पे क्रॉस है, तो कौन कर्ल कैसा होगा, कर्ल है कि डाइवर्जेंस है कि ग्रेडियंट है, या आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आराम से हो सकता है। ये देखो बोला था ना इसे क्वेश्चन पूछता है डायमैग्नेटिक, ये मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब है, देखो सब सबसिबिलिटी कुछ होता है ये, तो मैं से होता नहीं, मैं खुद लिख के दे मतलब पढ़ के लिखता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को ये पता नहीं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर वर्सेस ये सारा डिफरेंस अगर आपको पता है तो आराम से आप लिख सकते हो। अब आगे देखते जाओ, जो कि मैंने बोला था कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी याद है, और पॉइंटिंग फैक्टर मैं बोला था कि हम लोग के टाइम में भी पूछा था और आपके टाइम में भी पूछा है, देखते जाओ आपको दिखाता हूँ। देखो पॉइंटिंग फैक्टर, सॉरी किधर गया, ऊपर आ जाओ, देखो ये देखो कुछ दिखा पॉइंटिंग वेक्टर, आइए देखो अभी जब मैं बात कर रहा था मोमेंटम मैग्नेटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे देगा भाई, इससे ज़्यादा कुछ दे ही नहीं सकता वो, अब क्या देगा कुछ नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, सीधे क्वेश्चन उठा के दिया था ना दो नंबर का, अब क्या चाहिए आपको, अब इतना इतना हेल्प तो अब कोई नहीं कर सकता जितना मैं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आगे आते जाओ, ये मेरा फिजिक्स है, ये मेरा फेवरेट था, अब आगे देख जाओ डिराइव दो, सॉरी यहाँ पर कुछ और था, एक और क्वेश्चन होना चाहिए, सॉरी। तो ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन, देखो दिखा लिखा हुआ भी है,
अगर आप इलेक्ट्रो सॉरी थोड़ा धीरे कर देता हूँ, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, अगर तुम पढ़े होगे तो आराम से तुमसे बन जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अगर आप करते हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही था, और थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो जल्दी से। पहले ही बोल दिया हूँ, मेरे को लाइक से मतलब नहीं है, सब्सक्राइब का भी समझ चैनल नहीं, कमेंट आते रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है पूछो, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, हेल्प चाहिए, भैया देने के लिए तैयार है, जो भी हेल्प चाहिए हर एक हेल्प करूंगा, लेकिन हाँ बशर्ते मेरे को सिर्फ कमेंट सेक्शन भरा हुआ होना चाहिए। पिछले में भी था लेकिन उतना नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस बार एक्सपेक्ट हो किया हूँ, कितना होना चाहिए कमेंट सेक्शन, 70+ होना चाहिए, कमेंट सेक्शन के ऊपर पार होना चाहिए, 50 मतलब पिछले बार 54 था, इस बार 70 होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर समझ लेना इतना मेहनत करता हूँ। देखो तुम लोग, देखो सब चीज़ बनाता हूँ, क्या चाहिए तुम लोगों के लिए भाई। चलो ख्याल रखना अपना, चलो बाय बाय टट्टा सिविल टर, ख्याल रखना, लव यू रहेगा मेरे तरफ से, बाय।